नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 का मॉडिफिकेशन लिंक जारी किया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से। इसमें मॉडिफिकेशन लिंक उन बच्चों के लिए है जो रेलवे से अप्रेंटिस कर चुके हैं, जिनका कट ऑफ डेट रखा गया 12/4/2019। वो कैंडिडेट इस पर मॉडिफिकेशन लिंक पर जाकर अपना जो अप्रेंटिसशिप किए हैं उनका मार्क्स यहां पर अपलोड कर सकते हैं, जो इनका एनसीवीटी एनएससी सर्टिफिकेट मिला हुआ है रेलवे की तरफ से। जो सर्टिफिकेट जारी किया गया है उस सर्टिफिकेट का आपको मार्क्स यहाँ पर फिलअप करना है। उसका मार्क्स कैसे फिलअप करना है ऑनलाइन पूरा डिटेल के साथ हम बात करने वाले हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके भी दिखाएंगे और इसमें आपको ये भी बताएंगे कि आपका जो एनसीवीटी एनएससी सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका जो सर्टिफिकेट इशू डेट है वो पुराने सर्टिफिकेट में नहीं है, वो कैसे फिलअप करेंगे, और जो नए सर्टिफिकेट इशू किए गए उनमें ही केवल एनएससी सर्टिफिकेट इशू डेट जारी किया गया है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो उनको ग्रेड द्वारा अवार्डेड किया गया है यानी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आपको पूरा डिटेल वाइज हम बताएंगे कि इसमें आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो अगर आप YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम आ गए हैं जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से लिंक जारी किया गया है सभी RRB की वेबसाइट पर। उस लिंक पर हम आ गए हैं, जो यहाँ पर आप जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मॉडिफिकेशन लिंक फॉर फिलअप अप द मार्क्स, जिसमें CGPA ग्रेड चॉइस कैंडिडेट कंप्लीटेड अप्रेंटिस कोर्स इन रेलवे यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। जो लिंक एक्टिवेट का लास्ट डेट है वो 31/7/2022 तक यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 6 बजे तक। ये लिंक का अनेबल डेट यहाँ पर दिया गया, आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो हम आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर जो आप जैसे इस पर आएंगे तो आपको यहाँ पर ये आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने फॉर्म भरा था तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये सुरक्षा कोड यानी सिक्योरिटी कोड यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करेंगे तो वो आपका फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा। दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको कहाँ पर मिलेगा, जो आपने फॉर्म भरा था वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से मिल जाएगा। आपने जब ये फॉर्म भरा था 2019 में तो आपको यहाँ पर ही कॉर्नर पर देखेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन देखने को मिले, यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैंने हाइड किया है। तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना है और आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ये डाल दिया है और रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद आपको ये कैप्चर यहाँ पर भरना है, इसके बाद आपको फॉर्म पर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जैसे ये डिटेल फिलअप कर लेंगे तो आपको यहाँ पर जो ये यहाँ पर दिया गया है आपको इस पर ही ये आपको यहाँ पर ही सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप यहां पर जैसे फॉर्म ओपन होगा तो आप यहां पर देख सकते हैं ये आपका यहां पर पूरा डिटेल दिया गया है, आप इसको भी यहां पर देख सकते हैं। आपको यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, यहां पर देख सकते हैं ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और ये आपका नाम दिया गया है, और ये आपका जिस जोन में आपने भरा है, ये मैंने नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में अप्लाई किया, RRC जोन दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपने यहाँ पर कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है, आपने कोर्स कहाँ से किया है वो आपका यहाँ पर डिटेल देखने को मिलेगा, जो अप्रेंटिस किया है वो किस रेलवे के किस जगह से किया है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर टाइप सेलेक्ट करना है, आपका मार्क्स कैसा था, आपको मतलब आपने मार्क्स वाइज आपको CGPA था या आपका ग्रेडिंग वाला सिस्टम था वो आपको यहाँ पर देखना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको इसके बाद यहाँ पर जो ये ऑप्शन है इस पर सिलेक्ट करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे
आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन पूछेगा कि आपने के पास मार्क्स था या आपके पास CGPA था या ग्रेडिंग था, तो आपको इसमें से आपका जो भी था वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जो कैंडिडेट का मैं फिलअप कर रहा हूँ उनका मार्क्स वाइज था, तो आपको यहाँ पर मार्क्स वाले पर क्लिक करना है। तो मार्क्स पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और सारा डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, तो यहाँ पर आपको अब क्या फिलअप करना है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपको यहाँ पर कितना मार्क्स मिला है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आपको जैसे यहाँ पर मिनिमम मार्क्स दिया गया है, आपको मिनिमम मार्क्स में आपको जो दिया गया है और मैक्सिमम मार्क्स, यानी आपको मिनिमम मार्क्स में आपको जो आपका पूर्णांक था वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ऑप्टेन मार्क्स वो है जो आपने यहाँ पर प्राप्त किया है, वो जितना आपको अंक मिला है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो आपको यहाँ पर मार्क्स पूरा डिटेल वाइज यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो मैंने यहाँ पर मार्क्स ये वाला फिलअप कर दिया यहाँ पर। ये आपका ऑटोमेटिक ये परसेंटेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये परसेंटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको परसेंटेज आ गया। तो आपको ये देखना है कि आपका परसेंटेज जो है वो परसेंटेज जितना है आपको उसके हिसाब से आपको ग्रेड भी चुनना। आगे मैं आपको दिखाऊंगा ये आपको कैसे मिलता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछ रहा है कि आप डू यू हैव सर्टिफिकेट, आपके पास सर्टिफिकेट है। तो आप अगर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर क्लिक सेलेक्ट करेंगे तो आपको यस का ऑप्शन कर देंगे अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो सर्टिफिकेट आपको है तो यस करना है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर नंबर फिलअप करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करना है, उसके बाद सर्टिफिकेट जारी डेट फिलअप करना है, और आपको ग्रेड जो अवार्डेड किया गया है वो आपका ग्रेड क्या है वो सब आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करना है। ग्रेड में आपका जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, अबव एवरेज और एवरेज पूछेगा, और आपको बिलो एवरेज और अनफिट और नॉट अप्लीकेबल पूछेगा। तो ये आपको कहाँ से पता मिलेगा इसका डिटेल भी आपको सर्टिफिकेट पे मिलता है। जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको भी मिल जाता है नए, और जिनका नहीं है तो उनको हम आपको चार्ट आप एक दिखा दे रहे हैं, उस पर चार्ट के हिसाब से आपका यहाँ पर जो परसेंटेज आएगा नंबर जब फिलअप करेंगे तो आपको ये परसेंटेज आएगा। तो इस परसेंटेज वाइज आप वहाँ से ग्रेड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। तो आपका जो सर्टिफिकेट है आप यहाँ पर देख लीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर के लिए आपको यहाँ पर आएंगे तो ये आपका जो मार्कशीट जब आपको मिलता है तो नीचे ही आपको सर्टिफिकेट, ये मार्कशीट है आपका, और आपका सर्टिफिकेट ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला सर्टिफिकेट है आपका। ये सर्टिफिकेट में आपका सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पर पड़ता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर जारी करने की तिथि, यही डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशू डेट है, आपको ये डालना है। ये नए वाले कैंडिडेट हैं जिनका पोर्टल के माध्यम से हो रहा है, और जो पुराने कैंडिडेट हैं उनका कहाँ से मिलेगा, उनका ऐसा कुछ सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। वो सर्टिफिकेट ये है, आप इसको देख सकते हैं, ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो पोर्टल के जरिए सर्टिफिकेट नहीं जारी हुआ है, तो वो उनका ऐसा सर्टिफिकेट होता है। तो इनके सर्टिफिकेट पर कहीं पर भी इनका केवल ये इनका ज्वाइनिंग डेट दिया गया होता है यहाँ पर देख सकते हैं, और इनका ट्रेनिंग कंप्लीट होने का डेट दिया होता है, और इन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट किस महीने में दिया है वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई होती है, बाकी डिटेल इनमें मेंशन नहीं होता है, ये वाला देख सकते हैं। तो इनका सर्टिफिकेट कहाँ से डालना है, जो आपने एग्ज़ाम डेट दे दिया है, जैसे मई 2018 में आपका AIIT एग्ज़ाम हुआ है, तो आप इससे 2 महीने या 3 महीने डेट बढ़ा के डाल सकते हैं। जैसे आपका मई में हुआ तो आप 1 अक्टूबर 2018 डाल सकते हैं या 1 नवंबर 2018 डाल सकते हैं, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो आप यहां से भी अपना प्राप्तांक ये सब फिलअप कर सकते हैं, ये मैंने भी दिखा दिया है। तो अगर आपको ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, और आपको यहां पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपका पुराना वाला जो है वो आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर है, ये वाला आपका सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला सर्टिफिकेट नंबर है आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और जो नए वाले हैं उनके लिए सर्टिफिकेट ये ऐसा आता है, उनका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देखने को मिलता है। पहले तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट नंबर मिलेगा, इस कॉर्नर में आप देख सकते हैं ये वाला, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको देखने को मिले, ये वाला नंबर आपको वहाँ पर फिलअप करना है, जिसका जो भी होगा वो अपने हिसाब से वहाँ पर फिलअप कर देगा। तो इसके कैटेगरी में आप अगर आप आते हैं तो फॉर्म
आपको वहाँ पर फिलअप कर देना है, ये वाला इसको देख सकते हैं। इसी आधार पर आपको वहाँ पर मार्क्स फिलअप करना है। जैसे आपको यहाँ पर जैसे फॉर्म पर आएंगे तो आपने यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर डाल दिया है, ये आपका सर्टिफिकेट नंबर मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया है, इसको देख सकते हैं। और इसके बाद आपका इशू डेट आपको डालना है, तो इशू डेट आप कोई भी डाल सकते हैं, जो पुराने कैंडिडेट हैं और जिसका मैं भर रहा हूँ वो पुराना कैंडिडेट हैं, तो इनका कोई भी डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने एक देख लीजिए मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ग्रेड अवार्डेड, ये आपको कहाँ पर मिलेगा इसके बारे में हम बता दें। जैसे ही आप यहाँ पर मार्क्स फिलअप करेंगे तो आपको यहाँ पर परसेंटेज देखने को मिल जाएगा, जो आपका परसेंटेज जैसे रहेगा उस आधार पे आपको यहाँ पर चार्ट के हिसाब से आप भरते हैं। जैसे इनका 65% है तो इसका चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है, गुड वेरी गुड इस चार्ट के अनुसार आपको सिलेक्ट करना है। वो चार्ट कहाँ पर है, ये आपके जो पुराने सर्टिफिकेट होते हैं उन पर भी दिया गया था, तो आपको ये चार्ट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप इस ये कितना मार्क्स कितने ग्रेड वाले को दिया जाएगा, तो ये ग्रेड यहाँ पर दिया गया। जैसे आपका मार्क्स अगर यहाँ पर 100 यानी आपका 100 मार्क्स आ रहा है या 91 से 100 मार्क्स परसेंटेज बन रहे हैं तो आपको यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डालना है। अगर आपका 81 से 90 डालना है तो एक्सीलेंट डालना है, और आपको यहाँ पर पॉइंट भी दिया गया है। और 71 से 80% आपका बनना है तो वेरी गुड लिखना है, और आपको अगर 61 से 70 का है तो यहाँ पर गुड लिखना है। और आपका 51 से 60% बन रहा है तो आपको एवब एवरेज डालना है, और 41 से 50 है तो आपको एवरेज डालना है, और 40 है तो आपको परसेंटेज पास केवल आपको सिलेक्ट करना है। आप इसी आधार पर डाल सकते हैं, यहाँ पर 40 से अगर कम है तो आपको फेल या एवब फेल आपको यहाँ पर बताया गया, इसके अनुसार आपको डालना है। तो मैंने जो कैंडिडेट का भर रहा तो उनका ये आ रहा है, मतलब 61 से 70 के बीच में आ रहा है उनका, तो उनका हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर उनका गुड पर यह सिलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो डिटेल है पूरा आपको मिला लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये फॉर्म को यहाँ पर जो फाइनल सबमिट दिया गया है इस पर आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, दिया फाइनल सबमिट होने के लिए आपसे ये पूछ रहा है कि आपको जो यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म है इस पर भी टिक करना है। आपको इस वाले जो यहाँ पर चेक मार्क दिया गया है तो आप इस पर आपका क्लिक करना है, क्योंकि इसमें आपको डिक्लेरेशन में बताया कि आपका गलत मार्क्स नहीं फिल करना है, आपका जो एनसीपीटी में मार्क्स या जीपीए है या ग्रेडिंग है इसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी सीबीटी के बाद। इन्होंने बताया है आप रॉन्ग आपको नहीं सिलेक्ट करना है, रॉन्ग मार्क्स इस पर नहीं बनना। तो इस पर आप जैसे सबमिट पर मैंने क्लिक कर दिया तो यह आपको एक बार यहाँ पर मिलाने का ऑप्शन दे रहा है, तो आप इसको मिला सकते हैं, इसको देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इसको मिला सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको कंफर्म कर दिया, सभी चीज़ें मैंने मिला लिया है, डिटेल यहाँ पर पूरा डिटेल मैच कर रहा है। इसके बाद आपको इसको यहाँ पर जो कंफर्म का डेट दिया है आप इस पर कंफर्म पर क्लिक करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई लगता है कि आपको कोई दिक्कत गलत है तो आप इसको यहाँ पर एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। तो मेरा यहाँ पर डिटेल पूरा सही है, तो मैं इस पर कंफर्म पर क्लिक करता हूँ, ये कंफर्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर दिया है तो ये फाइनल ये कंफर्म हो गया, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ये पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर आपको मिल गया है, और आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल गया है जो पहले था, और ये आपने एनआर में किस जोन में भरा था उसका डिटेल दिया, नाम दिया गया है, और यहाँ पर आपने जो रेल अप्रेंटिस रेलवे से कंप्लीट किया है, कोर्स कंप्लीटेड किया है, तो यहाँ पर यस के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या अप्रेंटिसशिप रेलवे में कहाँ से किए हैं तो यहाँ पर DLW से है, और इसका या फ्रॉम टू डेट मतलब स्टार्टिंग डेट और कंप्लीटेड डेट दिया है, और आपका ये जो कोर्स रिजल्ट टाइप क्या था मार्क्स वाला था ये भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो
आपका मिनिमम मार्क्स यानी पूर्णांक था वो, और आपका जो प्राप्तांक था वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसके बाद आपका कितना परसेंटेज है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इन्होंने बताया कि आपका सर्टिफिकेट है तो यस के ऊपर आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट जारी डेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट जारी डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आपका जो अप्रेंटिसशिप कोर्स ग्रेडिंग का था वो ग्रेडिंग गुड आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर डिक्लेरेशन देख सकते हैं, पूरा डिटेल में हमने आपको समझाया है। अगर आपको फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई देते हैं, आपको वहाँ पर भी रिप्लाई देंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, आप वहाँ से भी टेलीग्राम पर क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आपको सबसे पहले जानकारी अपडेट मिल जाती है। और आपको यहाँ पर ये आपको प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट आउट को सेव कर लेना। मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, आपको ऐसे यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट आउट को सेव कर लेना है। A4 साइज में आपको सेव करना है तो यहाँ पर क्लिक करके इसको सेव करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेव हो गया, इसको सेव कर लिए। इसके बाद आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर फिलअप हो गया। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो बेहिचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम आपको वहाँ पर टोटली रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।